आम आदमी पार्टी के अंदर की फूट अब धीरे धीरे बाहर आने लगी है। आपके बड़े नेता कुमार विश्वास ने पंजाब और दिल्ली निकाय चुनावों में मिली हार को लेकर अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया है। पंजाब में मिली करारी शिकस्त के बाद से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ईवीएम गड़बड़ी को दोष दे रहे हैं। इससे उलट मशहूर कवि और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता कुमार विश्वास ने कहा है कि आपकी हार ईवीएम से नहीं बल्कि जनता की वजह से हुई है। विश्वास ने सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर मोदी को निशाना बनाने के फैसले को भी गलत बताया। कुमार विश्वास ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधना पार्टी का गलत निर्णय था। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इस तरह उन पर निशाना साधना ठीक नहीं था। विश्वास ने कहा कि गोपाल राय को दिल्ली का इंचार्ज बनाया गया था, लेकिन उनके साथ चुनाव के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं की गई थी, बस पीएससी के दौरान कुछ निर्देश दिए गए थे। विश्वास ने कहा कि पार्टी में बदलाव की जरूरत है, पार्टी अपनी गलती के कारण ही एमसीडी चुनाव हारी है। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।